इनडेफिनेट इंटीग्रल पार्ट वन। तो बिल्कुल शुरुआत से हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स किस तरह से निकाले जाते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा पोर्शन इसमें से पूछा जाता है। तो जिसको कुछ भी नहीं आता इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का, उसको आने लग जाएगा। बस आप क्या करना, आप हमारी सारी वीडियोस को आराम से शांति से बैठ के बस देखना और समझना। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपको इंटीग्रेट करना है इन फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स की पावर 10 को इंटीग्रेट करना है। ये इंटीग्रल का निशान है, तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे एक्स की पावर 10 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रल का निशान, और dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे आप इसका इंटीग्रल निकालेंगे, कैसे आप इसे इंटीग्रेट करेंगे? तो x की पावर 10 dx, हमें कहा गया था इसको इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, x की पावर जो भी होगी उस पावर में बस एक जोड़ दीजिए। तो x की पावर 10 है, इसमें एक जोड़ दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, और वही चीज नीचे भी लगा दीजिए। तो यानी कि 10 प्लस 1 नीचे भी आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है ये, तो डिफरेंशिएशन एक बार जरूर देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन की वीडियोस हमने पूरी कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो क्या करना है, एक्स की पावर 10 को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसकी जो भी पावर होगी उसकी पावर में एक ऐड कर देना है, और वही चीज नीचे भी लगा देनी है, और लास्ट में क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है, क्योंकि हम अभी इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में आपको ये अलग से प्लस सी लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। एक्स की पावर 10 प्लस 1 यानी कि 11, और नीचे 10 प्लस 1 11 प्लस सी, खत्म क्वेश्चन। इजी है ना, इजी रहेगा, टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल, इंटीग्रेट करना है एक्स की पावर 5/2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से वैसे ही करेंगे, एक्स की पावर है 5/2, तो एक्स की पावर अगर 5/2 है तो जल्दी से बताएं क्या करेंगे। इसमें एक ऐड करना है आपको, 1 ऐड करना है अलग से। चलिए 1 ऐड कर लेते हैं इसमें, और नीचे भी वही काम करना है, 5/2 जो पावर थी उसमें 1 ऐड कर देना है। तो जब आप 1 ऐड कर देते हैं मतलब आपने इंटीग्रेट कर दिया है, और जब भी आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो प्लस सी जरूर लगाएं। स्टेप हर एक स्टेप को ध्यान से कीजिए, ताकि स्टेप वाइज अगर मार्किंग हो रही है तो आपको हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते रहे। तो क्वेश्चन तो वैसे यही हो गया, लेकिन इसे आपको सिंप्लीफाई भी करना होगा। अब 5/2 प्लस 1 को प्लस कैसे करेंगे, देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप यहां 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ऐसे यहां भी 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, x तो एज इट इज रहेगा, ये 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2, तो मैं यहां पर 2 लिख देता हूं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, निकाल लीजिए आप यहां पर, तो ये 2 आ गया। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, उस 1 को उस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 5 जा 5। अब यहां प्लस है तो यहां भी क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। अब इस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा, उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, बस हो गया। नीचे भी देखिए 5/2 प्लस 1 था, तो जो हाल ऊपर हुआ है वही हाल नीचे भी होगा इसका भी, क्यों, जो ऊपर था वही नीचे भी तो है, तो ऊपर 5 + 2/2 बन गया, तो नीचे भी सेम बन जाएगा। और कैसे बना, वही एलसीएम वगैरह लेके ही बना, प्लस सी। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स की पावर 5/2 कितना हो जाएगा, 7। चलिए कहां लिखें, थोड़ा इधर करके लिखते हैं, एक्स की पावर 5/2 कितना हो जाएगा, 7, और नीचे 2 एज इट इज,
यहां पर भी 5 प्लस 2 7 और नीचे 2 एज इट इज और प्लस में c। तो आपका आंसर आ चुका है, बस इस 7 बाय 2 को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो 2 बाय 7 x की पावर 7 बाय 2 प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? सब कुछ दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसी तरह से देखिए आपको इंटीग्रेशन करना है। हाँ, आगे जाके आप देखेंगे इंटीग्रेशन में और भी बहुत तरह के जुगाड़ लगाए जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको हर एक तरह के जुगाड़ को समझना है, इस तरह से आपको इंटीग्रेशन इजी लगने लग जाएगी। x की पावर 4 और ये ऐसा कुछ बना हुआ है, यार ये क्या है? अंडर रूट तो हमने देखा था, अंडर रूट कुछ ऐसे होता है, लेकिन ये 3 कहां से आ गया? देखिए इसका मतलब कुछ ऐसे है, x की पावर 4 और ये अंडर रूट का मतलब होता है कि 1 अपॉन में ये 3 आ गया ना, जिसका मतलब पावर हो गई है 1 अपॉन 3 ऐसे। अब मैं इसे इंटीग्रेट करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, सवाल में कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहा गया है, तो इंटीग्रेट करो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो सवाल में कहा जा रहा था और वही हम कर रहे हैं। एक्स, अब इसका क्या करेंगे, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 1 जा 4। अब आप कहेंगे इस 4 को 3 से क्यों नहीं किया? अरे भाई 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 4 को 1 से ही करेंगे 4 आएगा और 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि पावर हो गई 4 अपॉन 3। ठीक है, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3। अब इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं, यानी कि x की पावर जो भी नजर आ रही है उसमें एक इंक्रीज कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए और वही चीज नीचे भी आ जाएगी 4 बाय 3 प्लस 1। इंटीग्रेट कर दिया है तो प्लस सी लगाना ना भूलें, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आगे बस इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, तो यहां कुछ नहीं मतलब यहां पे आ जाएगा 1, यहां भी कुछ नहीं मतलब यहां पे नीचे आ जाएगा 1। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा, तो यहां पे 3 आ जाएगा। अब ये 3 इस 3 के टेबल में कब आएगा? 1 पर, उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और ये प्लस एज इट इज, कंजूसी नहीं करनी है, हमारे पास जगह ही जगह है, साफ साफ करेंगे ताकि समझ में आए। 3 प्लस 1 का एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम आया था 3, इस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 4, इस 3 को इस 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा, उस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3। ठीक है, नीचे भी वही बनेगा 4 प्लस 3 अपॉन 3 और हमारा प्लस सी। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर बन जाएगा 4 प्लस 3 7 बाय 3 अपॉन में 4 प्लस 3 7 बाय 3 और ये 7 बाय 3 उल्टा हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इस 7 बाय 3 को, अच्छा प्लस सी भी है यहां पे, इसको एक स्टेप और सिंपल कर सकते हैं कि 7 बाय 3 ऊपर चला जाएगा तो 7 बाय 3 क्या बन जाएगा अगले स्टेप में लिखिएगा आप। चलिए मैं लिख देता हूं, तो कहीं आप ऐसे उतार दें और आपके मार्क्स कट जाए, वैसे मार्क्स नहीं कटेंगे इस वाले स्टेप के लिए, कहां लिखें ये लिख देते। तो x की पावर 7 बाय 3 पर दिखाई देगा कि या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, दिख जाना चाहिए पर बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो यहां नहीं करते हैं, इस फाइनल आंसर को हम लिख देते हैं कहां पर, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। x की पावर 7 बाय 3, ये जो 7 बाय 3 है ये 3 बाय 7 बन जाएगा, बस। तो 3x
उसके बाद इसकी पावर ये और नीचे 7 और लास्ट में प्लस सी, तो ये आपके फाइनल आंसर्स आ चुके हैं। तो पार्ट वन आपको इजी लगा होगा, बस कुछ नहीं करना था आपको, पावर 1 इंक्रीज करनी थी और वही नीचे भी करना था। चलिए तो मिलते हैं पार्ट टू में, और पार्ट टू अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट टू का लिंक मिल जाएगा।